Hi, hello, namaste. This is Arshashin. I'm working as a headmaster at Government Health Primary School, Bilaspur, Taluka Bidar and District Bidar in Karnataka. I'm here to present a small documentary on monuments preserved in our city, Bidar, as part of Ek Bharat Shreshtha Bharat. Bidar is called as City of Whispering Monuments, and it is a place where you find many ancient monuments with historical importance. This magnificent structure is Palace of Mahmud Diwan. It was built in the year 1472 AD by Khwaja Mahmud. The Palace of Mahmud Diwan is the most imposing building of Bahmadi period. महमूद गवान का जो मदरसा है उसे महमूद गवान ने बनाया और वो प्राइम मिनिस्टर था, तो कम से कम चार यहाँ के जो रूलर्स थे, बहमनी रूलर्स, उनके पीरियड में रहा हूँ। एक तो अलाउद्दीन बहमनी के जमाने में हिंदुस्तान आया, और फिर उसके बेटे हुमायूं के जमाने में रहा, फिर उसके बेटे निजाम शाह के जमाने में रहा, और फिर उसके बेटे मोहम्मद शाह के जमाने में रहा। तो चार बादशाहों का दौर उसने देखा, और चार बादशाहों के जमाने में वो वजीर आजम रहा। अच्छा स्टेट्समैन था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था वो, और अच्छा प्राइम मिनिस्टर था। उसने दक्कन की जो बहमनी सल्तनत थी उसको बहुत मजबूत बनाया उसने। पहले ये रशिया में जो मुकाम है, एक है बुखारा और एक है ताशखंद, तो ये जो जगह हैं वहाँ पर उसने पढ़ाई हासिल की, इसने स्टडीज वहाँ किया। तो उस जमाने में वहाँ जो मदरसा था उसमें उसने मैथमेटिक्स सी, तो मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बोलते हैं उसको। वो एजुकेशन जो वो सीख के आया उसको लोगों तक फैलाए, तो उसके लिए उसने साइंस और पर्टिकुलरली फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री, खासतौर पर ये तीन चीज़ों पर उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो बिल्कुल वैसा ही मदरसा उसने यहाँ बनाने की सोचा जो जहाँ उसने पढ़ाई की थी। पूरे सेंट्रल एशिया से और अफ्रीका से और इंडोनेशिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ, तो फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस बीदर टू द होल वर्ल्ड, नॉन वर्ल्ड, पहला आदमी था वो। वरना लोगों को क्या मालूम था बीदर कहाँ है। अभी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता बीदर कहाँ है, अगर नॉर्थ इंडिया में हम पूछेंगे तो लोगों को पता नहीं है। तो महमूद गवान का ये सबसे बड़ा कारनामा है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 1480 में उसको उस पर कुछ चार्जेस लगाए और उसके अगेंस्ट में, और बादशाह ने उस वक्त का जो था बिना सोचे समझे उसको उसको क्या बोलेंगे कत्ल करा दिया उसको। The Bahmani sultans were fond of constructing huge sarcophagus. Several majestic mausoleums of their period are at Ashtur, 4 kilometers east of Bidar. They are huge structures with beautiful arches, niches and lofty domes. उसने उस एक तो बादशाह तो था ही वो, लेकिन उसका जो झुकाव था सूफीज्म की तरफ था, अशोका की तरह था समझिए। वो फकीरों में और जो वलियों में जो बोलते हैं सेंट्स, उन लोगों में बैठा करता था, और गुलबर्गा में जो ख्वाजा मुल्क नवाज हैं वो उनका मुरीद था, वो बोले तो प्यूपिल उनका।
और फिर एक ईरान में एक सूफी वली भी थे, नेमतुल्लाह उनका नाम था, तो नेमतुल्लाह का भी मुरीद था। इट हैज अ स्क्वायर प्लेन मेजरिंग 72 फीट ईच साइड एक्सटर्नली। वॉल्स हैव अ थिकनेस ऑफ 12 फीट 6 इंच। द टोम्ब ऑफ अहमद शाह अल वली बहमनी इज नोन फॉर इट्स वॉल्स ऑन विच वर्सेस आर रिटर्न इन गोल्ड कलर। अपनी जिंदगी में वो बड़ा टॉम अपने बनाया उसने, तो टॉम में उसने क्या किया, टॉम बनाने के लिए पर्शियन आर्किटेक्ट्स को और टर्किश आर्किटेक्ट्स को और रशियंस को बुलाया उसने, तो वहाँ अंदर का जो हिस्सा है उसमें पेंटिंग है, तो आज 500-600 वर्ष हुए, लेकिन वो पेंटिंग का बहुत सारा हिस्सा अभी भी महफूज है। yes. और असली कलर्स हैं उसके, शाइनिंग कलर्स अभी भी दिखाई देते हैं उसके। तो उसमें वो शाह नेमतुल्लाह के पोएट्री है लिखी हुई अतराफ में पूरी उसके। अच्छा आदमी था वो, कि लोग उसकी पूजा करने लगे, तो हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी, और हिंदू उसको अलम प्रभु बोलते थे और मुसलमान उसको वली बोलते थे। सुल्तान अलाउद्दीन शाह टू वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ अहमद शाह। द टोम्ब कंसिस्ट ऑफ टाइल पैनल्स एंड कार्विंग्स ऑन द ब्लैक स्टोन मार्जिन्स ऑफ आर्चेस व्हिच वर वेरी इंप्रेसिव। अदर टोम्स हियर आर बिल्ट अप ऑफ ट्रैप मेसनरी। The arches in the tombs are elegantly decorated with stucco work. Humayun is the eldest son of Alauddin Shah II. His tomb is situated in the west of his father's tomb. The tomb at its base is 77 feet each side externally and 52 feet internally. The tomb is built entirely of black strap laid in lime. In 1883 AD, lightning had caused much damage to it. A larger part of its tomb and walls have fallen down. Chaukhand is the tomb of Khalilullah, who was the preceptor of Ahmad Shah. It is erected on elevated place. The building is octagonal in plane. अष्टोर में जो चौखंडी का जो स्ट्रक्चर है उसका हिस्ट्री में क्या उसका महत्व है और किस 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 टाइम में बनवाया? ये तो चौखंडी ही शाह खलीलुल्लाह तिरमानी का एक्चुअल ये वो टॉम है जी, शाह खलीलुल्लाह शाह नेमतुल्लाह के बेटे हैं। शाह नेमतुल्लाह के बेटे, हाँ, शाह नेमतुल्लाह, नेमतुल्लाह किरमान में ईरान के जी, ईरान में एक शहर है किरमान। स्पिरिचुअल टीचर्स थे ये लोग, स्पिरिचुअल टीचर्स, हाँ, तो ये पूरा खानदान उनका बैभानियों का जो था उनका ही मुरीद था। Okay. उनके जो कुछ था उनसे सीखने वाले थे, पूरा रॉयल टीचर्स थे संग, और मगर स्पिरिचुअल थे तो वो उन्हीं से सीखते थे और बड़ी इज्जत थी उनकी, तो इसी वजह से बोलते हैं वो बहमनियों के जो 7 टॉम्स हैं वो नदी के एक छोटी नदी किनारे हैं, नीचे हैं तकरीबन 100 फीट नीचे होंगे, तो ये उस्ताद थे ये उनके टीचर, तो ये क्या किया अपने लेवल पे नहीं बनाया बल्कि ऊंची जगह ढूंढ के वहाँ पे बनाया जी, हाइट पे है, हाँ, तो अलाउद्दीन बनाया उसको जी, उनका अहमद शाह का जो बेटा था जी, तो दोनों एक ही क्या बोलेंगे आर्किटेक्ट से बने हुए हैं जी, और ये भी वही है, लेकिन इसका जो चौखंडी है वो अब अपने टॉम से भी अच्छी बनाया है। ओके, उसमें दो हिस्से,
एक तो असल टॉम अंदर है और उसके बाहर के हिस्से में ये ऑक्टागन शेप की बिल्डिंग बनाया। ओल्ड जो ईरानियन थे एम्परर थे उनको एकेमेनियन एम्परर बोलते थे, उनके ताज के जैसा है उसका स्ट्रक्चर बाहर का। दूसरी जो चीज है नक्काशी, वो लिखे हुए हैं वो जो कुरान की जो आयत है वर्सेस हैं उनको पत्थर में बहुत खूबसूरती से काटा गया है, बहुत अच्छे राइटिंग में है और अभी तक है, 500 साल हो गए लेकिन अभी तक महफूज है।